सोशल मीडिया में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले अपना जोर शोर से प्रचार करते हुए समाज में खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं ने गढ़ा थाना क्षेत्र में एक गैंग बनाई है, जिसे उन्होंने 4141 नाम दिया है। यह गैंग सोशल मीडिया में अपनी दबंगई का प्रचार जोर शोर से करती है, जिसका सरगना गैंगस्टर सारंग नामक बदमाश करता है। यह गैंग आए दिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देती है। कुछ यही काम इन्होंने शनिवार और रविवार की दरमियानी रात भी किया, जब आनंद कुंज क्षेत्र में बाइक सवार गैंग ने पहुंचकर बमबाजी शुरू कर दी। इसके कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। काफी देर तक 4141 गैंग के अपराधी सदस्य क्षेत्र में दहशत फैलाते रहे, जिसके बाद वह वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित मोना दहिया ने बताया कि देर रात सारंग दो मोटरसाइकिलों में अपने साथी नीलू करण विश्वकर्मा, बल्लू और अन्य दो लोग वहां पर आए और बमबाजी कर भाग निकले। मोना दहिया ने बताया कि घटना को अंजाम देने के पीछे वजह पूर्व में आरोपियों द्वारा गोलीबारी करना था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा थाने में दर्ज कराई गई थी, जिससे गुस्साए 4141 गैंग के सदस्यों ने उनके घर में आकर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पे वो दो गाड़ियाँ आई स्प्लेंडर और उनमें तीन तीन लोग सवार थे और उनने हम लोग के ऊपर बम फेंके। कौन लोग हैं, किस बात के लेके विवाद हुआ है? ये अपना ईलू तिवारी, करण विश्वकर्मा और सारंग और बम्मू चालू और दो अन्य में रहे, पर वो हम लोग पहचान नहीं पाए। इसके पहले अभी एक हफ्ते पहले 10 दिन पहले गोली चली थी हमारे छोटे वाले के ऊपर, उसी बात का विवाद चल रहा है। करण नीलू यहीं लाल बिल्डिंग के निवासी हैं। क्या करते हैं, किस बात को लेकर आपके यहाँ बंद चल रही है? ये सर पुरानी रंजिश पे चल रहा है। कारण कहाँ की घटना है ये? आनंद कुंज फूलवाड़ी मनसुख हलवाई के सामने। कहाँ